तो आगे चल रहे हैं इकाई दो फिजिक्स में, कह रहा है कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आंसर है क्यों आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ पर जो है कार्य जो है डब्ल्यू बराबर यानी कि क्यू आवेश है और भी जो है यानी कहने का मतलब यह है कि एक विभव के रूप में है जो आर जो है स्थिति सदिश के रूप में है। तो वही आप लोगों को परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला भी डब्ल्यू बराबर क्यू भी आर है। अब इससे संबंधित आप लोगों को आगे की जो टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा, यदि दो बिंदु आवेश दिया रहता है तो उसके निकाय की स्थिति ऊर्जा कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले आप पर ध्यान दीजिएगा एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ए बिंदु पर Q1 आवेश है और बी बिंदु पर कितना है Q2 आवेश है और दोनों के बीच की दूरी यानी कि R है। तो R को हम पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश के रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं R2 - R1। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से A के बीच की दूरी R1 है और मूल बिंदु से B के बीच की दूरी कितना है R2 है। तो यहाँ पर चल रहा है कह रहा है कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A के निकट बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य यानी कि कार्य जो है किया जाता है क्योंकि ए पर स्थित आवेश Q1 इसके चारों ओर स्थित वैद्युत क्षेत्र बनाता है, यानी कि ए के यहाँ पर ए पर जो है स्थित आवेश जो Q1 है इसके चारों ओर स्थित वैद्युत क्षेत्र बनाता है, इसलिए किया गया कार्य यानी कि कार्य बराबर आप लोगों को बताए थे क्यू यहाँ पर भी आ रहा है यानी कि सदिश के रूप में आ रहा है यानी कि क्यू और भी है। यहाँ पर कार बराबर यानी कि V2 और Q2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर आवेश यानी कि विभव क्या है V2 है, यानी कि विभव जो है यानी कि Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर कितना है V2 है। तो हमारा कार जो है यानी कि V2 × Q2 क्योंकि Q1 आवेश के कारण हमारा जो है बी बिंदु पर यानी कि कहने का मतलब यह है कि विभव क्या हो जाएगा V2 और आवेश में क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विभव V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, तो V2 बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q1/R के रूप में हम लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर के रूप में ए बी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बीच की दूरी ए बी और यहाँ पर Q1 क्यों लिखे क्योंकि Q1 आवेश का V2 पर पड़ रहा है। तो कार्य जिनको कहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और V2 के मानो हम इतना लिख सकते हैं और Q2 जो कहते हैं कार्य जो कहते हैं इतना जो कहते हैं इसमें गुणा कर इतना और ए बी को लिख सकते हैं R2 - R1 जो फिगर में भी दे दिया है और यहाँ पर यह लिख सकते हैं W = 1/4πε0 और Q1 Q2 पोजिशन वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं यानी कि 1 2 यानी स्थिति से 2 में से 1 घट जाएगा। अब कह रहा है कि इसलिए किया गया कार्य दोनों आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है, इसलिए कार्य को ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 / स्थिति सदिश के रूप में R1 लिख सकते हैं। तो इतना ही।